हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये मेरे सामने है टाटा नेक्सोन 1.0 यानी कि पुराने वाली 312 किलोमीटर रेंज वाली। और इसमें नया क्या है? इसमें टाटा कंपनी ने नया ये दिया है कि जो भी टाटा ने टाटा मैक्स लॉन्च की है उसमें काफ़ी नए फीचर ऐड किए हैं। तो कस्टमर की डिमांड पे उन्होंने क्या ये नए फीचर मैक्स वाले पुरानी नेक्सोन में भी अपडेट कर दिए हैं। तो वो कैसे होंगे और आपके पास पुराने वाली नेक्सोन 312 किलोमीटर रेंज वाली है तो उसमें आप कैसे अपडेट करवाएंगे और अपडेट होने के बाद कैसे आप उसे यूज करेंगे, ये सारा हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये अभी मेरे सामने है टाटा नेक्सोन पुराने वाली 312 किलोमीटर रेंज वाली। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर अपने पास ये पुराने वाली और नई वाली दोनों गाड़ियां हो तो हम उसमें बाहर से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी है। तो सारा कुछ सेम है, सिर्फ एक छोटा सा चेक पॉइंट है चेक करने का कि आप देख सकते हैं व्हील में यहाँ पे चार नट दे रखे हैं, जिसमें चार नट होंगे वो होगी पुराने वाली 312 किलोमीटर रेंज वाली, और जिसमें पांच नट होंगे वो होगी नेक्सोन ईवी मैक्स। ये एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है मैक्स में और नॉर्मल नेक्सोन में, और नॉर्मल जो नेक्सोन है उसको भी अब अपडेट करने पे मैक्स वाले फीचर इसमें आ जाएंगे। तो अभी मैंने इस नेक्सोन को अभी अपडेट करवाया है और उसमें नए फीचर ऐड हुए हैं, एक तो क्रूज कंट्रोल का और एक मल्टी मोड रीजनरेशन का। ITPMS का भी फंक्शन ऐड हो जाएगा जिनके नहीं है, बट इसमें ऑलरेडी ITPMS का फंक्शन था। तो देखते हैं अंदर की ओर चल के। ये मैं अंदर आ गया इसके, ये देखिए आप, ये पुराने वाली नेक्सोन है, इंटीरियर देख सकते हैं आप। मैंने बंद कर दिया, अभी मैं करता हूँ इसका इग्निशन ऑन। अभी मैंने इग्निशन ऑन कर दिया इसका, जैसे ही मैंने इग्निशन ऑन किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लेवल 1 आ गया है जो कि रीजनरेशन मोड का है, जैसा कि नेक्सोन मैक्स में आता है। इसे हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये इसमें ऐड हो गया है। एंड जैसे ही हम इसे, अब मैं गाड़ी को रेडी मोड में लाता हूँ, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ भी अब आ पा रहा है। एज इट इज नेक्सोन मैक्स के फीचर इसमें क्लस्टर में ऐड हो गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन है, 6 लाइनें हो गई है, तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर से, ये फर्स्ट नंबर पे एनर्जी फ्लो का है, सेकंड पे ट्रिप ए आ गया, थर्ड पे ट्रिप बी आ गया, और यहाँ पे रीजनरेशन लेवल सिलेक्शन आया हुआ है। तो अगर हमको इसमें जाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस राइट टू इनेबल चेंज। तो अपने स्टीयरिंग स्विच में जो ये वाला आप देख रहे हैं ये बटन, ये एंटर का है, मैं इसे यहाँ से प्रेस करता हूँ। प्रेस करने पर ये लेफ्ट और राइट एरो इसमें आ गए हैं। अगर मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ये लेवल बढ़ते जाएंगे, लेवल थर्ड भी आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेवल थर्ड हो गया है। वापस मैं राइट एरो दबाऊंगा तो लेवल टू हो गया है। दो तरफ एक यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, दो जगह यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। और अगर वापस एक बार और मैं राइट एरो दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन ऑफ हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एग्जिट होने के लिए वापस अपन को ये एंटर का है स्विच बटन, इसे यहाँ से अपन एंटर हो जाएंगे। अब वापस नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्रूज कंट्रोल, इसमें एंटर होने के लिए अपन यहाँ से इसे एंटर होंगे। अब ये पूछ रहे डू यू वांट टू सेट क्रूज, अपन वापस यहाँ से एंटर होंगे। तो अभी ये कह रहा है क्रूज सिलेक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपनी गाड़ी अभी यहाँ पे, ये देखिए आपको अब दिखेगा, या मैंने ओके किया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूज सिलेक्शन नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी हम रन नहीं कर रहे हैं। तो मैं रनिंग में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये सेटिंग का है, सेटिंग में जैसे ही अपन जाएंगे यहाँ से इसे ओके करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं TPMS रीसेट का, इसमें जो कि ऑलरेडी था, जिन गाड़ियों में ये ऑलरेडी है उसमें कोई दिक्कत नहीं, और जिनमें ये TPMS नहीं है तो उनमें ये TPMS का भी फंक्शन ऐड हो जाएगा। TPMS को कैसे यूज करते हैं वो उसका मेरा अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और अभी मैं गाड़ी रन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं अभी मैंने क्रूज सेट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में,
अभी 38 पे, अभी मैंने राइट एरो दबाया स्टेयरिंग से, ये तो ये 40 का हो गया, दो दो की स्पीड से ये बढ़ता जाता है। जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया तो यहाँ पे क्रूज ऑफ हो गया है। वापस मैं क्रूज में गया, अगर मुझे ऑन करना है तो स्पीड आपकी 30 से अबव होनी चाहिए, तभी आपके काम करेगा। तो अभी 30 है, अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये 33 का हो गया। वापस मैं ब्रेक दबाता हूँ तो ये क्रूज ऑफ हो गया। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है, और जिनके पास भी नेक्सोन पुरानी वाली है तो ज़रूर इसमें अपडेट करवाइए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा।